नौकरी ना मिलने से है परेशान, वास्तु के यह टिप्स होंगे हेल्पफुल। आजकल की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सामान्य व्यक्ति की कामना होती है कि उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सगुण संपन्न होने के बाद भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता, बेरोजगार ही रह जाता है। व्यक्ति द्वारा की गई हर कोशिश असफल हो जाती है और इसका दोष वह भाग्य को देने लगता है, क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि इसका वास्तविक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। अगर नौकरी पाने के लिए वास्तु सम्मत के कुछ टिप्स को अपनाया जाए तो व्यक्ति जीवन में नौकरी के साथ साथ भरपूर सफलता भी पा सकता है। इंटरव्यू देने जाए तो जेब में लाल रंग का या कोई लाल कपड़ा जरूर रखें, संभव हो तो लाल रंग की वस्त्र धारण कर इंटरव्यू के लिए जाए, लेकिन ध्यान रहे कि लाल भड़कीला ना होकर सामान्य हो। रात में सोने से समय बेडरूम में पीले रंग का प्रयोग करें, लाल पीला रंग भविष्य में वृद्धि लाता है। रोज सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाकर खिलाया जाए। ध्यान रहे कि किसी भी चिड़िया या अन्य पक्षी को घर के अंदर घोंसला ना बनाने दें। एक नींबू के अंदर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। इस मंत्र से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ने लगती है। अपने घर का आईना हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। इस दिशा में आईना रखने से रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलते समय हमेशा अपना दायना पैर पहले रखें और जाने से पहले घर में दही चीनी खा कर निकलें। घर से निकलने से पहले गणेश भगवान की आराधना करें। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन सूर्योदय से पहले पीसी हुई हल्दी मिले पानी के स्नान करें। इसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी इच्छा कहें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं में पूर्ति होती है। इस तरह की अनेकों वास्तु संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए असल आस्था को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।